नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। आज मैं इस वीडियो में आपको नीम और तुलसी से बने हैंड वॉश कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पतंजलि के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है मार्केट में जो नीम और तुलसी से बनाए गए हैं, वो हर्बल हैंड वॉश किस तरह बनाए जाए उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं मैं आज। इस प्रोडक्ट्स के अंदर बनाने के बाद आप कलर यूज भी कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कलर यूज नहीं करोगे तो भी और कलर यूज करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट देखने में बहुत ही अच्छा और लाजवाब दिखेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कलर यूज करना चाहिए तो आप अलग से थोड़े से कलर को यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन जहां तक मेरी राय है इसमें ग्रीन कलर अगर यूज करना है तो ही करिए। तो ग्रीन कलर के हिसाब से आपको नीम का फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम यूज करना होगा, और अगर नीम का ना मिल पाए तो आप तुलसी का फ्रेग्रेंस जरूर यूज करें। हालांकि मैंने इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को रखे हैं हर्बल बनाने के लिए, जिससे आप इजीली और आसानी से आपके आसपास के इलाकों से पा सकते हो उस प्रोडक्ट्स को, जिसमें से मैंने यूज किया है नीम और तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे। इसे करना क्या है, पानी लेना है, उसमें तुलसी और नीम के पत्तों को तोड़ के रख देना है और 12 से 16 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका कुछ इस तरह जो है प्रोडक्ट दिखाई देगा। आप इसे छान के भी यूज कर सकते हो और बिना छाने भी यूज कर सकते हो। बॉईल करने की इस प्रोडक्ट को जरूरत नहीं है, क्योंकि नीम के पत्ते से किसी भी पानी को खराब नहीं करता। नीम का पत्ता एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो नीम और तुलसी इसलिए मैंने एक साथ डाल रखा है कि तुलसी के लिए कुछ अलग से ना करना पड़े और इस पानी को खराब भी नहीं करेगा आपका नीम। इसलिए दोस्तों इसमें मैंने नीम और तुलसी के पत्तों को जो है पानी में डाल के उसे छोड़ दिया था 12 घंटों के लिए। इस प्रोडक्ट को आगे बनाने से पहले मैं करता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उससे यह होगा कि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें। कुछ दिनों से आपके सपोर्ट थोड़े कम हो गए हैं, तो प्लीज आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं। और एक चीज दोस्तों, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसे मेरा रंजीत ब्लॉग्स भी बोल सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट उस चैनल के लिए भी जरूर दिखाएं। उसमें मैं अपने पर्सनल घर के बारे में या आसपास के मार्केट के बारे में या कौन से मार्केट कहां पे है उस बारे में, तो वो सब इन्फॉर्मेशन मैं उसमें देता हूं। तो प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस पर भी अपने सपोर्ट जरूर दिखाएं। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूं उसके फॉर्मुलेशन मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता हूं। तो जरूर आप फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आप लोगों को दोस्तों, कि आज जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दे रहा हूं जो कि मैंने कल ही क्रिएट किया है। तो जिन बंदों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आना हो वो उस लिंक के जरिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें। और इस ग्रुप को बनाने का मेन मकसद यही है, मेन कारण यही है कि आप लोग को जो छोटे मोटे प्रॉब्लम एराइज होते हैं तो उस ग्रुप के माध्यम से आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा उसमें। और अगर मैं नहीं दे पाता हूं तो बाकी और मेंबर जो उस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इससे ये होगा कि आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा और अलग अलग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज देने से अच्छा उस व्हाट्सएप मैसेज में आप एक ही जगह पे दे दोगे ग्रुप में, तो आपका हेल्प पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर्बल हैंड वॉश है। तो इसमें तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया है कि मैंने जो है एक नीम और तुलसी का एक्सट्रैक्ट बना रखा है। ये एक्सट्रैक्ट नहीं बोल सकते, मैंने इसे पानी में 12 घंटे के लिए छोड़ दिया था, इस तरह का ये हो चुका है। इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि ये नीम के पत्ते जो है पानी को खराब नहीं करते हैं, तो इसके लिए कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारा सेकेंड प्रोडक्ट जो है जो इसमें हम यूज करेंगे वो है SLES। अब वो हर्बल हो चाहे केमिकल हो, कोई भी हैंड वॉश बनाने के लिए हमको SLES यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो थिक होता है, हैंड वॉश का गाढ़ा होता है। और गाढ़े हैंड वॉश को अगर बनाना है तो आपको पक्का SLES यूज करना है। अगर पानी बनाना है तो इसके लिए SLES की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका थर्ड प्रोडक्ट आ जाता है, वो होता है आपका परफ्यूम। कलर मैंने नहीं ले रखा है क्योंकि कलर मैं इसमें यूज नहीं करूंगा। आपको अगर कलर यूज करना है तो ग्रीन कलर जरूर यूज कर सकते हैं, बाकी कोई कलर यूज करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये हर्बल है तो ज्यादा करके ग्रीन कलर ही इसमें जाएगा। और फूड कलर आप इसमें यूज कर सकते हो, इसमें कोई केमिकल बेस्ड कलर नहीं लेना है, फूड कलर आप यूज कर सकते हो, वो इसमें डाइल्यूट हो जाएगा। परफ्यूम लेना है, नीम का परफ्यूम या तुलसी का परफ्यूम एक कोई ले लीजिए, और आपको नमक लेना है। इसमें अलग से आप ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हो थोड़े सॉफ्टनेस के लिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा हैंड वॉश तो बनता है, ठीक ठाक बन जाने के बाद हम उस पर धोते हैं तो चिपचिपाहट सी आती है। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप चिपचिपाहट को हटाना चाहते हो तो नमक की मात्रा को कम कर दें। नमक की मात्रा जैसे ही आप कम करोगे आपका हैंड वॉश से चिपचिपाहट जो होती है वो हट जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी इस हैंड वॉश के इस वीडियो में मैंने कवर अप कर दिया ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लंबा ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर बिजनेस के आइडिया की तौर पे इसे देख रहे हो तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए जो नए बंदे इसे देख रहे हैं उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए लाइसेंस क्या चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप बनाते हो और इसका बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। हैंड वॉश को डायरेक्टली हैंड वॉश बोल के आप नहीं बेच सकते, नहीं तो इसमें FBI का लाइसेंस लगेगा। तो इसमें आप हैंड केयर करके लिख दीजिए और हैंड केयर करके बेच सकते हो, उसके लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रेड लाइसेंस ले रहे हैं, वो लेने के बाद एक GST नंबर लेने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो इजिली घर से भी, या फिर अपने घर पे बना के आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हो बिना बेचे। घर के ही मेंबर यूज कर सकते हैं इसे, जो आप बाहर से मार्केट से इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा, घर में घाटा नहीं करेगा। और इसकी बॉटल्स और रॉ मटेरियल्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लें। अगर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज जरूर करें। साथ ही दोस्तों इस प्रोडक्ट्स की मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो नए बंदे जितने भी हैं जिन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता हो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो धीरे धीरे, लेकिन एक एक टॉपिक अगर क्लियर नहीं करूंगा तो आप लोग कहते हैं कि पूरी टॉपिक जो है क्लियर नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो। सबसे पहले इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले पानी ले लेंगे। पानी कौन सा लेना है, आप पानी कोई भी टैप वाटर यूज कर सकते हो, मतलब नल का पानी, नल में जो से जो आता है पानी उस पानी को आप ले सकते हो इसके अंदर और उसे इस्तेमाल कर सकते हो। नल का पानी लेने के बाद इसमें आपको लेना है नमक, सॉल्ट, जिसे केमिकल भाषा में सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, वो हमको ले लेना है, और इसे दोनों चीज को अच्छी तरह घोल को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। याद रखिए दोस्तों, घोल को अच्छी तरह मिक्स करिए, अगर घोल थोड़ा भी बच जाएगा तो आपका प्रोडक्ट सही नहीं बन पाएगा, तो घोल को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश चाहिए और ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए तो इससे जो है आप बनाते हैं तो बनाने के बाद 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आपका हैंड वॉश ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके लिए कुछ अलग से केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने क्या केमिकल यूज कर लिया है कि हमारा ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश नहीं बन रहा और आपका ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश बन रहा, तो मैं कुछ केमिकल यूज नहीं करता दोस्तों, मैं सिंपली जो है सिंपली इसे 12 घंटे के लिए छोड़ देता हूं, उसके बाद इसे यूज करता हूं और बोतल में फिलअप करता हूं, क्योंकि हम आज ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश बना रहे हैं तो इसमें हम लोग जो है पर्ल पाउडर और व्हाइटनर यूज नहीं करेंगे। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताता हूं तो आप लोग को मिलेगा नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि फिर प्रोडक्ट्स मिल रहा नहीं है। नमक अच्छी तरह घुलने के बाद हमारा सेकेंड प्रोडक्ट आएगा, हमारा नीम और तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास है, वो नीम और तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है वो जरूरी है, क्योंकि हम जो इसे बना रहे हैं वो हर्बल बना रहे हैं। पत्ते निकालने की जरूरत नहीं है, पत्ते आप रख सकते हैं इसी में, और अगर आप निकाल के बेचना चाहें तो निकाल के भी बेच सकते हैं। छान लेंगे तो आपका प्रोडक्ट और अच्छा बन जाएगा। परफ्यूम हम लास्ट में डालेंगे, उसके पहले हम जो है इसमें SLES यूज करेंगे। SLES क्या होता है, SLES के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। SLES को हम धीरे धीरे डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करते चले जाएंगे।
क्वांटिटी जो है इसकी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपका कितना ज्यादा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फिर भी ये ट्रांसपेरेंट है। इसे आप 6 से 12 घंटे के लिए जब छोड़ते हो तो आपका हैंड वॉश पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जो आर पार दिखता है। तो आप इस तरह आप एज्यूम कर सकते हो कि आपका हैंड वॉश कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आप इस तरह भी इसे बेच सकते हो या फिर इसमें कलर ऐड करके भी बेच सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा कलर यूज करने वाला हूँ, मेरे पास ग्रीन कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लिक्विड फॉर्म में, और पेस्ट जो है अंदर रखा हुआ है कारखाने में, तो मैं इसमें जो थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा यूज करूंगा, क्योंकि कलरलेस भी प्रोडक्ट अच्छा ही दिखता है, पर अगर किसी भी प्रोडक्ट में रंग ना हो तो प्रोडक्ट कुछ अजीब दिखता है, इसलिए मैं इसमें कलर यूज कर रहा हूं। अब इसमें ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट आपका इस तरह दिखेगा, और इस तरह की बॉटल्स में हम फिलअप कर लेंगे इसे। इस तरह की बोतल में हम फिलअप करेंगे इसे। इसको क्लीन कर लेना है जो ऊपर के भाग में गिरा होगा, और ये आप 12 घंटे रखते हो बिना पैक किए हुए, तो आपका प्रोडक्ट जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरह जो है आप हर्बल हैंड वॉश को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इस हैंड वॉश को बनाना। ये एक बेहतर तरीका मैंने आपको बताया है, इससे भी बेहतर तरीके और भी हैं मेरे पास। इसमें परफ्यूम मैंने एक्चुअली यूज नहीं किया है, आप लोग परफ्यूम यूज कर लेना। मैं एक्चुअली परफ्यूम यूज नहीं कर पाया क्योंकि आपको वीडियो जब लंबा हो रहा था और मुझे दिखाना था इस चीज को इस तरह, इसलिए मैं परफ्यूम यूज नहीं कर पाया। हम बाद में भी परफ्यूम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।